प्राइवेट में कराते केसीआर साहब से हमारी ये दरखास्त है कि केसीआर साहब हमारे से मदद की दरखास्त करें कि गरीबों का हॉस्पिटल है। क्या नाम है हॉस्पिटल का? ये नीलोफर हॉस्पिटल है। आपको कौन दिए पैसे? हम नहीं बोल के नहीं सर, कई दूर से, कई काफी दूर से, जैसा कि अपने वरंगल, नाथपुर, करीमनगर, बखराबाग, जैसा कि हर दूर से जो पेशेंट आते हैं उनके लिए जैसे सिक्योरिटी गार्ड पैसे दियो, पास भी रहे बताने के बाद भी पैसे दियो तो अंदर जाने देते, नहीं तो नहीं जाने देते। आपके साथ भी हुआ ये? ऐसा कई बार हो गया सेठ, मेरे पास पास है, मौजूद पास है, ये ऐसा कई बार हुआ, ये मेरा पास है। बतलाइए, ये मेरा पास है। अब मैं पास रखने के बावजूद भी, ये पास रखने के बावजूद भी मेरे को पैसा दियो तो अंदर जाने अलाउड देते, तो केसीआर साहब। आपके कौन है पेशेंट अंदर? मेरे पास सुमेरा बेगम, मेरी वाइफ है। आपको क्या तकलीफ थी यहाँ पे हॉस्पिटल में? बच्चे को लेके आया था जी, तो एडमिट करने के लिए उनको परेशानी हो रही थी जी, इसलिए मैं मैडम को कॉल करा जी। मैडम को कॉल करके यहाँ बुलाया, मैडम की रिस्पॉन्स से अपने को सपोर्ट मिली। और अपने क्या तकलीफ थी आप हॉस्पिटल को आने की वजह? तकलीफ देखिए, मोशंस के लिए मोशंस नहीं करे बच्चा, पेट हेड हो गया, वालदा का इंतकाल भी हो गया थोड़ा। कब हुआ वो? 1 बजे। कौन से हॉस्पिटल में हुआ? मैत्री। आप बोल रहे थे ओलिफ हॉस्पिटल लंगोरस कुछ बोल रहे थे? मैत्री हॉस्पिटल। मैत्री हॉस्पिटल, वहाँ पे क्या, किस वजह से हुआ वो डेथ? वो थोड़ा कुछ दूसरा दूसरा था, अभी नहीं मालूम जी। उसके रिपोर्टेड सर, उसके आपका कुछ भी नहीं आया सर। और कि ये जो आपके बच्चे को कुछ हुआ बोल के कौन से हॉस्पिटल को आया? अभी ये नीलोफर। नीलोफर हॉस्पिटल में आपको क्या, आपको फैसिलिटीज मिले, नहीं तकलीफ हुई, नहीं क्या हुई मैडम को और मीडिया को बुलाने की वजह क्या हुई? तकलीफ कुछ नहीं है। नहीं कुछ आपको पुलिस वाले ढकले वो? नहीं 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 कुछ नहीं, वो बाहर हुआ था थोड़ा देख लिया जी। मैडम कुछ बोलिए आप। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू, मेरा नाम सफिया माई, सोशल वर्कर हूँ मैं, एनजीओ नारी निकेतन प्रेसिडेंट से। यहाँ पर हम लोग टप्पा चबूतरे पे थे, रिपोर्टर अजीज हमको कॉल करे कि उनके फ्रेंड का ऐसा वाइफ का डेथ हो गया, और आज सुबह में 9:30 बजे हुआ, पर उनको कुछ प्रॉब्लम हो रहा बोल के फ़ोन करने की वजह से नीलोफर हॉस्पिटल को आए। यहाँ आने के बाद पता चला कि उनके वाइफ का डेथ मैत्री हॉस्पिटल में हुआ जी, और वहाँ से अभी इन लोग को हॉस्पिटल से कोई पेपर्स भी नहीं मिले हॉस्पिटल के, और इनके बच्चा भी अभी क्रिटिकल कंडीशन में, उसको मोशन खोल अभी वो बच्चे को नहीं है, वो वजह से अभी उसकी सर्जरी चल रही है यहाँ पर। अल्लाह के फजल से यहाँ आने के बाद डॉक्टर्स अभी उनको एडमिट करे और उनके सर्जरी भी चल रही है जी। मैडम और एक कुछ सुनने में आनो, कभी ये हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल बोल के बोल रहे, वो सही है या गलत है? हमको भी मैत्री हॉस्पिटल ही बोले लोग, फिर ओलिफ हॉस्पिटल भी कोई बोल रहे थे। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन, आपके जो वाइफ है उनके कोई भी मेंबर नहीं दिखे अभी तक? मैं वॉच कर रहा था तो क्यों वजह? जी पूरे घर में से वहाँ पर कोई नहीं आ सकते, बच्ची को छोड़ के नहीं आ सकते, छोटी बच्ची और है और एक भी बेटी है आपको, तो उनके कोई मामू भाई? पूरे थके पूरे जाकर सो गए लोग, नहीं देख नहीं सकते। मैडम इस बात से आप क्या बोलना चाह रहे हैं? ये बात बोलो, बोल तो उनके खुद के बेटी का इंतकाल हो गया और उनके नवासे यहाँ क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल में क्रिटिकल कंडीशन में, बोल तो थोड़ा हमको ये सोच के तकलीफ हो रही कि ऐसे हालत में ये लोग को यहाँ रहना जरूरी था, मासूम बच्चा है वो, इतना ही बोलते। उनकी बेटी थी, उनके बेटी का खून है इस वक्त, अब उनकी बेटी उनके साथ नहीं है, नवासा था उन्हें उसके साथ रहना था जी। आपको यहाँ पे हॉस्पिटल में आए तो कैसा महसूस हुआ? आप यहाँ आने के बाद सुबह 9:30 को डेथ हो गई बोल के बोले लोग, वाइफ की 9:30 को डेथ हो गई बोल के बोले वो, ये लोग लंगर और कुछ तकसीम भी कर दिए बोल के बोले जी। लिफ्टर रुके हुए है, पेशेंट्स ये कंडीशन में, डॉक्टर गुंडागर्दी के लिए बैठे हुए, डॉक्टर तो कोई रेस्पॉन्स भी नहीं दे रहे, हॉस्पिटल से लेकर डॉक्टर तक का यही हाल है। ऐसा बात करें जैसे कि ये लोग दवाखानों की क्या बोलते मालिक है, ऐसा की बात करें ना, हॉस्पिटलों से लेके पूरे क्या बोलते लिफ्ट के जितने भी कंट्रोलिंग आना है पूरे ऐसी बात करें जैसे की दवाखानों का सेटल हुआ। नहीं सर ये आप जो बोल रहे जी, देखें यहाँ पर डॉक्टर्स अच्छे हैं लेकिन नर्सा भी तो अच्छे नहीं, जो भी है मेरी बेटी मैं चाहती हूँ यहाँ पर। क्या नाम है पेशेंट का? आप कौन से फ्लोर पे?
हम लोग खाली हम ही देख लेना है।